मनोज कुमार जी प्रश्न कर रहे हैं, क्या आज के युग में सच्ची भक्ति है? मनोज कुमार जी आपकी जय जयकार होती रहे। आप एक बार वृंदावन आए, आप वृंदावन आए, हम आपको संतों का दर्शन कराएंगे जो वास्तविक में भक्ति कर रहे हैं। तो आज भी सच्ची भक्ति है, भक्ति ना होती तो ये पृथ्वी रसातल में ना चली जाती। अरे भक्ति ना होती तो लोग हजारों किलोमीटर से दूर से आते आ करके वृंदावन की, करोड़ करोड़ पति लोग वृंदावन की धूल में पड़े रहते हैं। भक्ति नहीं होती तो वृंदावन की रज में कोई लौटता क्यों? आज विदेशी लोग भी आते हैं और वृंदावन में आके रम जाते हैं, कंठी माला पहन के कृष्ण कृष्ण जपते हैं। भक्ति ना होती तो कोई करोड़पति करोड़ छोड़ के छोड़ी आता? आ रहा है तो कुछ तो होगा बिहारी जी में। तो आप जी बड़े प्रेम से भगवान नाम जाप करें, और भक्ति है, कभी आपको संतों का दर्शन करना हो तो आप आए, हम आपको ओरिजिनल संतों के दर्शन कराएंगे। जिनको आप लाख रुपए दो या करोड़ रुपए दो, वो संत पैसे लेते ही नहीं है। ऐसे भी संत हम जानते हैं, हमने दर्शन किए हैं ऐसे महान संतों के, अयोध्या में भी किए, वृंदावन में भी किए, पैसे ही नहीं लेते। आप दे दो लाख करोड़ रुपए, लेते ही नहीं, भजन करते हैं। अभी वंशीवट हम गए थे तो टीवी पर भी हमने उनका दर्शन आपको एक बार कराया था। वो ऐसे संत थे, गिने चुने संत हैं, केवल 15-20 संत हैं अधिक से अधिक पूरे ब्रजमंडल में। ऐसे संत हैं वो 20 कि वो जमीन के भीतर गड्ढा खोद के गुफा बनाए हैं और वहीं रहते हैं जंगल में। खाने पीने की भगवान जाने क्या व्यवस्था है, लंगोटी पहनते हैं, पूरे शरीर में एक ही कपड़ा है, केवल लंगोटी, और जंगल में रहते हैं। उस जंगल में आप एक घंटा नहीं रुक पाएंगे, खतरनाक जंगल है। वहां रहते हैं संत, भजन करते हैं। केवल पूरी एक संत जी को मैंने देखा, उन्होंने बताया, बाजू उनके शिष्य लोग थे वहां पर, साधु ही शिष्य, उन्होंने बताया महाराज जी शाम को 3 बजे, दोपहर को 3 बजे चले जाते हैं गुफा में और रात के 9 बजे निकलते हैं। 3 बजे से रात के 9 बजे तक बैठ के केवल नाम जप करते हैं। और आप पैसे देके भी देख लेना, लेंगे नहीं आपका पैसा। तो असली भक्त तो हैं, उन्हीं के बल पर ये सब चल रहा है, हम सब बोल रहे हैं उन्हीं के बल पर, शक्ति तो उन्हीं की है। तो आज भी सब कुछ है, बस अपना अपना देखने का नजरिया है।